अब इसमें क्या यहां पंचमय है पाठ है और सिक्स क्लास के लिए पांचवा पाठ चल रहा है, तो पंचमय पाठ्य में अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं और अभ्यास प्रश्नों में पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न पर समुचित समुचित हैं पदे हैं, समुचित हैं पदे हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब इसमें विभक्ति एक रब है, विभक्ति पीड़े एक वचनम द्विवचनम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। विभक्ति के नीचे था गया प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति है उसमें गज है, गजौ गजा, गज शब्द है जिसमें जिसकी प्रथमा विभक्ति दी है गज है, गजौ गजा। अब इसमें नीचे अश्व शब्द दे दिया, तो यहां अश्व शब्द दिया है और ये दो खालिस्तान दिए गए हैं द्विवचन में और बहुवचन में, तो द्विवचन में अश्व और बहुवचन में अश्व। क्यों? पुल्लिंग का अकारांत पद है, दोनों ही पुल्लिंग के अकारांत पद है, तो गद के अनुसार ही अश्व का बन जाएगा। अब इसमें दूसरा द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति में द्वितीय सूर्यं सूर्यो सूर्या, सूर्यं सूर्यो सूर्या। ये द्वितीय विभक्ति के एकवचन में सूर्यं, द्विवचन में सूर्यो और बहुवचन में सूर्या। तो यहां नीचे अब इसके अनुसार जो पद दिया है उसमें बहुवचन वाले में पद दिया है चंद्रान, चंद्रान और प्रथम एक वचन में और द्विवचन में, इनमें खालिस्तान दिए गए हैं द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में खालिस्तान दिए गए हैं। तो इसमें एक वचन में चंद्रम, जैसे सूर्य बना वैसे ही चंद्रम और चंद्रव, चंद्रम चंद्रव चंद्रम, इस प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति बनेगी। अब देखिए तृतीय विभक्ति में तृतीय
जो विभक्ति है उसमें पद दिया है विडालेन विडालाभ्याम विडाले है। विडालेन विडालाभ्याम विडालेन विडालाभ्याम विडाले भे, ये विडाले पुलिंगे विडाले विडालेन विडालाभ्याम विडाले यथा के रूप में दे दिया उदाहरण के रूप में। तो नीचे इसमें देखो द्विवचन वाले में पद दिया है मंडूकाभ्याम, मंडूकाभ्याम। तो मंडूकाभ्याम दे दिया, आगे बहुवचन में भी खालिस्तान और पहले एक वचन में भी खालिस्तान दिया है, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके लिखना है। तो मंडू मंडुकेन तृतीय विभक्ति के एक वचन में मंडुकेन और बहुवचन में मंडुके है, जैसे विडालेन बना उसी प्रकार से मंडुकेन और इसमें मंडुके मंडुकेन और मंडुके के द्वारा खालिस्तानों की पूर्ति करेंगे। अब देखो चतुर्थी, तो चतुर्थी विभक्ति यहां दी गई है। अब चतुर्थी विभक्ति में बीच में पहले खालिस्तान दे दिया सरपाल, यहां एक वचन में दिया सरपाल। दूसरा द्विवचन में खालिस्तान दे दिया और फिर दिया है सर्पे भय, सर्पे भय। अब इसमें चतुर्थी में दूसरा दिया गया है वानराभ्याम, दूसरा शब्द वानराभ्याम। तो वानराभ्याम में वानराभ्याम द्विवचन में दिया, उसी के अनुसार सर्पाभ्याम यहां खालिस्तान में आपको क्या लिखना होगा सर्पाभ्याम चतुर्थी। और यहां वानराभ्याम से पहले वानराय चतुर्थी के एक वचन में वानराय और वान वानरे भे, वानरे भे बहुवचन में आ जाएगा वानरे भे, ये चतुर्थी विभक्ति है। आगे इसमें देखो पंचमी में, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो मोदकार, मोदकार पंचमी विभक्ति के एक वचन में दिया, द्विवचन और बहुवचन दोनों में खालिस्तान दे दिए। तो इनमें खालिस्तानों में हमें पंचमी विभक्ति के अनुसार अकारांत में प्रयोग करेंगे। तो यहां पंचमी चतुर्थी में समान आता है द्विवचन में, तो मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम, मोदकात मोदकाभ्याम। और चतुर्थी के और पंचमी के बहुवचन में भी एक समान आता है, तो यहां मोदके भे, इसमें मोदके भे, ये पंचमी विभक्ति हो गई मोदक शब्द की। अब इसमें इसके अनुसार ही दूसरा पद दिया है जिसका बहुवचन दे रखा है वृक्ष भे,
और इसके पहले एक वचन और द्विवचन दोनों खालिस्तान दिए गए हैं पंचवें वक्ति में, तो यहाँ वृक्षेभ्य दिया है, पद दिया है वृक्षेभ्य, तो इसमें वृक्षात एक वचन में और द्विवचन में वृक्षाभ्यां, द्विवचन में पद आ जाएगा वृक्षा भयाम, ये पंचमी विभक्ति तक। अब देखो षष्ठी विभक्ति फिर ऊपर से लिखते हैं, तो षष्ठी विभक्ति में जो पद दिया गया है वो देखो, प्रत्येक पदानुसार यानी यहाँ शब्द रूप के द्वारा खालिस्तानों की पूर्ति करनी है, जो खालिस्तान बताया गया उसमें पद लिखेंगे और ऐसा का ऐसा फिर नोटबुक में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना पांचवा प्रश्न। अब पांचवें प्रश्न में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो सर्वप्रथम लिखा षष्ठी विभक्ति के नीचे षष्ठी आ गया और जन शब्द जनस्य जनयो है और जनाना, जनस्य जनयो है जनाना, इस विभक्ति में कोई खालिस्तान नहीं दिया गया, ये उदाहरण के रूप में दिया। इसके नीचे दूसरा शब्द दिया गया है शुके शब्द और उसका बहुवचन दिया है शुकाना। शुके शब्द में तो शुकानाम और इसमें प्रथमा और द्वितीया में ये एकवचन और द्विवचन में, एकवचन और द्विवचन में खालिस्तान किए गए हैं, जिसमें यहाँ जन शब्द के अनुसार ही शुकस्य और शुकयोर इनका ये प्रयोग कर दिया। अब देखो आगे सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में शिक्षके शिक्षके सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पद दिया शिक्षके, द्विवचन में खालिस्तान आ गया और बहुवचन में लिखेंगे शिक्षकेषु। यहां द्विवचन में खालिस्तान आ गया और इसमें आएगा शिक्षकेषु। तो इसमें खालिस्तान में षष्ठी विभक्ति के अनुसार ही सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा शिक्षकयो, शिक्षकयो पद आ जाएगा शिक्षकयो। अब नीचे इसके अनुसार दूसरा शब्द तू बनाना है सप्तमी विभक्ति में, वह देखो मयूरयो, यहां द्विवचन में दिया है मयूरयो। अब इसमें मयूरियो है मैं एक वचन में और बहुवचन में खालिस्तान दे दिया, एक वचन में और बहुवचन में दोनों में खालिस्तान दे दिया, तो यहां मयूरे और मयूरेशु इसमें तो आ जाएगा मयूरे और इसमें आ जाएगा मयूरेशु। अब यहां संबोधन, फिर मैं संबोधन, तो संबोधन में बालक शब्द रूप का संबोधन विभक्ति दिया गया है कि हे बालक
पालकों के बालका, ये बालक शब्द रूप की संबोधन विभक्ति। तो संबोधन में अब इसमें पहले दिया है यहां नर्तक, नर्तक शब्द दिया गया है, तो इसमें ही नर्तक, ही नर्तकों, ही नर्तका है। तो इसमें सर्वप्रथम या ही नर्तक, ही नर्तक, तो इसमें द्विवचन में ही नर्तकों, ही नर्तकों, और दूसरा ही नर्तका, ही नर्तका, ये संबोधन का। इस प्रकार से इसमें यहाँ ये जो पांचवा प्रश्न है इसमें पांचवें प्रश्न में रिक्तांग की पूर्ति करके प्रथमा से लेकर संबोधन तक और प्रत्येक विभक्ति में दो दो शब्दों की विभक्तियां लिखनी होगी। अब देखिए इसमें छठा प्रश्न, जिसमें भिन्न प्रकृति पदम चिन्हित, छठे में भिन्न प्रकृतिकम, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हित, पदम चिन्हित, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हित। अब इसमें कह में शब्द दिए गए गंगा, दूसरा लता, तीसरा यमुना और चौथे नंबर पर नर्मदा, ये नर्मदा, नर्मदा, ये चार पद दिए गए हैं। तो इसमें कहके नीचे ही आपको इसमें यहाँ आंसर लगा करके गंगा, यमुना और नर्मदा, ये तीनों नदियों के नाम हैं और ये बेल का नाम है लता, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा भिन्न पद हो जाएगा लता। फिर दूसरे नंबर पर है में उद्यानम, कुसुमम, कुसुमम, तीसरे नंबर पर फलम और पीतम। तो इसमें चार जो नाम दिए गए हैं यहाँ, अब देखिए उद्यानम बगीचा है और बगीचे में फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं, लेकिन चित्र ये भिन्न पद आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रम, आंसर क्या होगा चित्रम। इसी प्रकार से तीसरा गैका, लेखनी, तूलिका, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला, चार नाम लेखनी, तूलिका, चटका और पाठशाला। तो लेखनी, तूलिका और पाठशाला की विद्यालय में पढ़ेगा, लेखनी की आवश्यकता होगी, लेखनी बनाने के लिए तुलिका की आवश्यकता होगी, लेकिन चटका चिड़िया ये भिन्न हो गया, तो इसमें आंसर होगा आपका चटका। चौथे नंबर पर इसमें आम्रम, आम्रम,
कदली फलम आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। तो अब देखो आम्रम कदली फलम और नारंगम, ये तीन आम्रम कदली फलम नारंगम ये तीन फल आ गए और मोदकम इसमें ऋण है, तो यहाँ आंसर आपको मोदकम करना है। ये आपका इस पांचवें पाठ के छह प्रश्न पूरे हो गए और अब गृह कार्य में प्रश्न पांच व छह करने हैं। ये आपका आज का गृह कार्य होगा, पांचवा और छठा जो प्रश्न बताया गया है ये आपको करके लाने हैं।